आप जानते हैं कि 25-30 साल से हमारा राजनीतिक परिवार है, तो हमारे वालिद 92 में विधायक बने थे यहाँ से, और हमारे वालिद ने जो अपनी पूरी जिंदगी मेरठ के अंदर अमन शांति और विकास के लिए की लड़ाई लड़ी है और खिदमत करी है इस मेरठ की आवाम की, और इसी को हमने आगे बढ़ाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 79 के अंदर मेरे वालिद 89 में पार्षद बने और फिर विधायक और फिर बड़े भाई सांसद और मेयर रहे। उसी चीज़ को खिदमत को आगे करते हुए मैं मेरठ नगर निगम का यहाँ का प्रत्याशी हूँ 2022 में, और इसी को लेके पूरे मेरठ के अंदर एक जो हमारे समर्थक हैं कार्यकर्ता हैं सभी में खुशी की लहर है, और काफ़ी तादाद में पार्षदों का उनका मेरे मुझसे मिलना रे करना। तो मैं अपने सभी उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा 2022 में मेयर नगर निगम का, और वो पूरी तैयारी रखें, और उसी के साथ में मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी जिस तरह से हमारा परिवार खिदमत करता रहा है। पार्टी में तो मैं 2012 के अंदर विधायक लड़ा था मेरठ दक्षिण से, बहुत ही कम वोटर से अंतर रहा था उसके अंदर हर जीत का। उसके बाद में पार्टी तो मैंने कोई ज्वाइन करी नहीं है और ना ही मैंने कोई चुनाव लड़ा है उसके बाद में। तो बहन जी के बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा के हम साथ में हैं, और उसके लिए हमारी 13-14 तारीख में मीटिंग है लखनऊ में, उसके बाद में सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। जो मेयर की सीट में भी सामान है उसमें जो भी कुछ रह गया है सारी चीज़ क्लियर हो गई, 20 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा। नहीं, BSP के चुनाव में मैं विधायक लड़ा हूँ 2012 में, तो BSP से चुनाव लड़ा जाएगा, वो सब क्लियर हो जाएगी 20 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। हाँ, जो भी पार्टी होगी अब जो भी तय होगा 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा हमारा सारा। BSP के साथ में BSP में है, नहीं मैंने टिकट किया वो तो मैंने डिक्लेयर करानी है अपना कुछ भी। मैंने तो ये कहा अपने समर्थकों से अपने कार्यकर्ताओं से कि भाई चुनाव की तैयारी रखें, और हम जो है इंशाल्लाह जो है जो खिदमत देते आ रहे हैं उसके लिए हम तैयार हैं। अपने कार्यकर्ताओं को उनके लिए मैंने एक ये मैसेज करिए देने के लिए। टिकट तो हमारे पास कई पार्टियों का ऑफर है जो जो भी है भाई, वो तो सारे हम पे ऑप्शन है।